हल्का असेंबली संगारेड्डी के कांग्रेस रुकन जयप्रकाश रेड्डी उर्फ जग्गा रेड्डी गैर मुनकसिम जिले में दक्के मजाली से मकामी हल्के के तहत काउंसिल के इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार के मौसला वोटों के दावे पर सही साबित रहे और वोटों के तारुक से उन्होंने जो दावा किया था पार्टी उम्मीदवार ने उससे ज्यादा वोट हासिल किए। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि जग्गा रेड्डी ने कबल से कहा था कि काउंसिल की इस सीट के लिए अगर उनकी अहलिया और पार्टी उम्मीदवार निर्मला को 230 से कम वोट हासिल होते हैं तो वो अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाएंगे। तहां मंगल को इस सीट का जो नतीजा जारी किया गया इसमें कांग्रेस उम्मीदवार ने 230 से ज्यादा वोट हासिल किए। जग्गा रेड्डी ने इस मसले पर तबसरा करते हुए कहा कि कांग्रेस की अखलाकी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि जिले मेदक के पार्टी वर्करों ने तमाम वोट पार्टी उम्मीदवार को ही दिए जिसकी वजह से उनका दावा सच साबित हुआ। जग्गा रेड्डी ने कहा कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के आबाई जिले से पार्टी के वोट बैंक को मुस्तहकम रखा। उन्होंने मजाका उड़ाते हुए कहा कि इस सीट से हालांकि टीआरएस को कामयाबी मिली लेकिन अब टीआरएस क़यादत वजीर फाइनेंस हरीश राव को नजरअंदाज करना शुरू कर देगी जिन्होंने इस जिले में नाकिस मुहिम चलाई थी। जग्गा रेड्डी ने कहा कि जिले मेदक में कांग्रेस के हौसला अफजा मुजाहरे के बाद असली सियासी खेल अब शुरू होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चीफ मिनिस्टर के हल्के इंतखाब गजवेल और वजीर फाइनेंस हरीश राव के हल्के इंतखाब सिद्दीकपेट से 2023 के मुजवजा असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर लेगी। మేము మా 231 ఓటు మీద ఏ రోడ్లు ఎక్కువ తెచ్చుకున్నామని ఒక ఆనందం. మేము అభ్యర్థిని పెట్టడం వల్ల జిల్లాలో నాయకులందరూ కూడా హ్యాపీగా ఉన్నారు, సంతోషంగా 15 రోజులు మాకు టిఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మీద పెట్టడం వల్ల సంతోషంగా మా నాయకులందరూ వాళ్ళ నాయకులు హ్యాపీగా గడిపిరు, అది మాకు ఆనందమే. కానీ బాధాకరణం ఒకటి ఏంటంటే, ఒక బాధ ఏమనిపిస్తుందంటే, 2 ఏళ్ళ నుంచి చాలా మంది నాయకులు సార్ మాకు నిధులు లేవు విధులు లేవు